दोस्तों यहाँ का मेन मार्केट यहाँ पास देख सकते हैं, तो मुझे इधर से मुड़ना है। यहाँ पर क्या है पता नहीं, अच्छा खासा मार्केट है यार अंदर अंदर, मैं तो सोचा नहीं था। बीमारी निकालेगा आपको ये रोड में। तो यहाँ पास है नाली है भाई बड़ा सा, यहाँ पास भी दुकानों का नहीं लगे। जय जोहार, मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है आप लोग का। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ नन्ही अहिवारा सिटी, तो पूरा नज़ारा, तो पूरा देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो मैं नंदनी घुमाने वाला हूँ, नंदनी अहिवारा। तो यहाँ से मंडई पीछे था, तो यहाँ से चालू होता है भाई अहिवारा। तो इधर छोटा छोटा घर है नंदनी। तो अहिवारा में स्वागत है, देख सकते हैं शुरू में आपको मिल जाएगा यहाँ पास महाविद्यालय मतलब कॉलेज अहिवारा का। और इधर कुछ कुछ और है जनपद कार्यालय और कुछ कुछ और। इधर रोड में भाई बड़ी बड़ी कार और ट्रक चलते रहते हैं, देख सकते हैं बड़ी बड़ी कार ट्रक चल रहे हैं, तो ध्यान से चलिएगा। देख सकते हैं इस तरफ जनपद वनपद और महाविद्यालय करके लिखा हुआ है यहाँ पास। और यहाँ पास पुलिस थाना भी है सामने में, देख सकते हैं पुलिस थाना है यहाँ का अहिवारा का। ये देखिए पुलिस थाना नंदनी नगर अहिवारा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मैं पूरा सिटी दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं अंदर। और पानी टंकी और यहाँ पर शादी वादी हो रहा है, शादी के लिए सजा है। और यहाँ पास है क्या लिखा है यार, नगर पालिका नगर परिषद अहिवारा आकर के लिखा हुआ है, नगर पालिका परिषद है। और इस तरफ भाई क्या खूबसूरत जंगल है बीच में, जैसे भिलाई में सेक्टर एरिया है अपना ना, उसी तरह यहाँ भी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भिलाई के सेक्टर एरिया में हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या गार्डन जैसा खूबसूरत सा बना हुआ है। और इधर है देख सकते हैं सेक्टर एरिया सेम ऐसी लग रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल है भाई छोटा सा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पास है मैदान देख सकते हैं, सीधा वाला रोड आपको धंधा के लिए लेके जाएगा। और अपन अपन नंदनी नगर में स्वागत है करके इस तरफ सेक्टर एरिया छोटा सा वहाँ ही घुसा रहे हैं। ये देखिए सेम सेक्टर एरिया जैसा लग जाए, जहाँ का वहाँ का भिलाई नगर का है ना सेक्टर एरिया, वैसे यहाँ का नंदनी नगर का सेक्टर एरिया। देखिए छोटा छोटा सा गली यहाँ पर बना हुआ है, घर भी वैसे सेम बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए घर भी वैसे ही लग रहा है। तो अपने को यहाँ से मोड़ जाना है, सीधा सीधा भी जा सकते हैं, अपने को यहाँ से मोड़ जाना है। फिर इधर का और दिखाना है, गेस्ट हाउस नंदनी करके लिखा हुआ है यहाँ पास। देखिए सेक्टर एरिया सेम सेक्टर एरिया का फीलिंग आ रहा है भाई इस तरफ। छोटा छोटा घर कॉलोनी ऐसी बना हुआ है, देखिए यहाँ पास छोटा सा कॉलोनी और गार्डन खूबसूरत सा। ये देखिए इस तरफ भी देखिए, यहाँ पे लिखा भी है वार्ड नंबर। देखिए यहाँ पर तो सेम ही लग रहा है, ये देख सकते हैं इस तरफ भी भाई मैदान है और छोटा छोटा सा कॉलोनी है, कार है खड़ी हुई है, सेम भिलाई के जैसा भाई सेक्टर एरिया वैसे ही लग रहा है। और इसका मेन मार्केट जैसे भिलाई का मेन मार्केट है उस तरफ मैं लेके जाऊंगा, दिखाने वाला हूँ आप लोग को। और उधर सीधे में शादी हो रहा है लग रहा है, रिसेप्शन वैसे ही लग रहा है। तो ये है मार्केट एरिया टाइप, यहाँ का चौक टाइप बस स्टैंड, जैसे कि कोई कॉलोनी वाले नहीं कर रहता है ना वैसे। ये देख सकते हैं दुकान वकान लगे हुए हैं यहाँ पास, जलाराम विश्वासदास सुधरानी तो क्लोथ मार्केट। और इस साइड में भी दुकानें लगे हुए हैं, दोनों साइड लगे हुए छोटा सा। और एटीएम भी आपको मिल जाएगा। और देख सकते हैं क्या पेड़ लगे हैं, खूबसूरत लग रहा है भाई ज़बरदस्त। तो अपन जा रहे हैं भाई, ये पूरा सेक्टर एरिया है इस तरफ, तो अपन इस रोड के लेके जाएंगे तो सीधा मेन अहिवारा पहुँच जाएंगे, जहाँ मेन मार्केट है यहाँ का। वहीं उसी तरफ जा रहा हूँ भाई, उसी तरफ दिखाने वाला हूँ आप लोग को। तो बने रहे वीडियो में कंटिन्यू। यहाँ पास देख सकते हैं मूर्ति है खूबसूरत सा, क्या चीज़ का है पता नहीं। और इधर है स्कूल सदन मजदूर संघ है यहाँ पास। यहाँ पास भी कॉलेज है भाई, नागरिक कॉलेज। यहाँ पास बड़ा सा मैदान है खूबसूरत सा, मैच का शौकीन है तो यहाँ पास होता होगा क्या पता। उधर मेला लगा है भाई, मेला के लिए वो लगा हुआ है, क्या पता कब चालू होगा कि नहीं होगा पता नहीं। और यहाँ पास है चौक,
में देख सकते हैं चौक बना हुआ है, बीएसपी अस्पताल करके लिखा हुआ है यहाँ पास। कौन आ गया भाई, मैं नहीं आ रहा, ये छोटा छोटा सा हॉस्पिटल कॉलोनी, कोई कर्मचारी का होगा हॉस्पिटल का, वैसे लग रहा है सेम जैसे रेलवे का कॉलोनी बना रहता वैसे बना हुआ है। आठ साइड में देख सकते हैं, तो यहाँ से भाई मैं नहीं आ रहा स्टार्टिंग होता है, तो अपन दिखाते हैं मैं नहीं आ रहा। दोस्तों तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, इधर ग्राउंड ग्राउंड ज़्यादा दिखा रहे हैं भाई, यही बारा में देख सकते हैं वहाँ पास भी कुछ कार्यक्रम हुआ होगा लग रहा है, निकल रहा है पंडाल जो लगा था। और ये देख सकते हैं भाई यहाँ से सिटी चालू हो जाता है, पूरा घर बने हुए हैं, कितना बड़ा है भी मालूम है, मैं तो पहले बार आया हूँ इस तरफ। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग क्लब प्रोग्राम हुआ है लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये है युवारा, देख सकते हैं यहाँ पर चिकन सेंटर, युवारा चिकन सेंटर, और इस तरफ है नर्सिंग होम, और इस साइड भी दुकानें लगी हुई भाई अलग अलग, किसी केंद्र वीवो, अच्छी खासी लग रहा है भाई यहाँ भी दुकानें, हर चीज़ की दुकान यहाँ आपको मिल जाएगा लग रहा है। बजाज नाना शोरूम, बजाज का शोरूम है यहाँ पास, गेमिंग स्टोर, सुरेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, प्रकाश बच्चा, यहाँ बस गाड़ी बाइक का शोरूम आपको मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, देख सकते हैं इधर पूरा गाड़ी गाड़ी लग, मार्केट एरिया भाई ये, यही मेन मार्केट है लगता है यहाँ का, देख सकते हैं पूरा मार्केट एरिया लगे हुए हैं आसपास, पूरा गुपचुप एक रोल, हर चीज़ का दुकान आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं ओप्पो, ओप्पो तो हर जगह छाया हुआ है भाई, देख सकते हैं सब्जी वब्जी लगा है, ये मेन मार्केट लग रहा है, अंदर जाके देखेंगे इस तरफ भी, फोटो स्टूडियो का दुकान है यहाँ पास, हमको इधर भी देखिए भाई, पहला ये बस स्टैंड है लगता है, बस स्टैंड यहाँ का अयोरा का देख सकते हैं, राहुल बाजार करके बस स्टैंड देख सकते हैं। दोस्तों पूरा मार्केट एरिया है, गली में मैं घुस गया हूँ, पूरा मार्केट है, वहाँ से बस स्टैंड से सीधे घुसेंगे तो मार्केट के लिए आपको दिखाई दे जाएगा, सब चीज़ का दुकान इधर मिल जाएगा। पीछे आए हैं उस तरफ अच्छा खासी मार्केट है, इस तरफ भी है देख सकते हैं, पूरा मार्केट एरिया है, गली गली में बोट हाउस दुकान, इलेक्ट्रिशियन बड़ी दुकान इलेक्ट्रिशियन का, यहाँ पर क्या है पता नहीं, अच्छा खासा मार्केट है यार अंदर अंदर, मैं तो सोचा नहीं था, मैं तो रोड रोड गया हुआ था तो लग रहा था कुछ खास मार्केट नहीं है, तो इस तरफ लास्ट हो जाता है लगता है, तो इस तरफ से अपन रिटर्न लेते हैं, रिटर्न नहीं वही वाले रोड में और आ चुका हूँ मैं, तो अपन इस तरफ जाएंगे। और ये यह है यहाँ का मेन चौक, यहाँ से आएंगे इस तरफ, मैं पीछे से आ रहा हूँ उस तरफ से, आप रायपुर से आएंगे इस तरफ से कहाँ जाता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, जाके देखेंगे। चौक है और ये है जहाँ से मैं गया था, अंदर घुसा था उसी रोड में मैं और जा रहा हूँ, आपको पूरा दिखा देता हूँ कहाँ तक कैसे जाते हैं। तो इस तरफ तो दुकानें बंद लग रहा है यार, इस तरह से मार्केट है, मेन रोड है यही, इस तरफ से अपन जाएंगे भिलाई धंधा के लिए भी जा सकते हैं, तो मैं वही बस स्टैंड में और जा रहा हूँ फिर से रिटर्न लेके, आपको बताने में गाड़ी वाड़ी खड़ी, अच्छे खासी दुकान वकान लग रही लेकिन बंद लग रहा है, गर्दन दुकान बड़ी सी, उस तरफ ठाकुर नाम दवा खाना, हमारा पास ज्वेलर्स यहाँ पास दिख जाएगा, इधर फल की दुकान है देखिए, वहीं पास मैं और आ गया फिर से, ये है बस स्टैंड, ये देखिए फल वाल की दुकान लगे, मोबाइल दुकान, दवाई दुकान, तो यहाँ पास है मेन मार्केट यहाँ का ये सामने में। दोस्तों यहाँ का मेन मार्केट यहाँ पास देख सकते हैं, तो मुझे इधर से मुड़ना है, इधर से मैं आया हुआ था, फिर से मैं इधर जा रहा हूँ रायपुर, मुझे चलना है क्योंकि रायपुर ही जाना है, तो अपन इसी तरफ फिर से और जा रहे हैं, और मैं सीधा और बचा हुआ था उस तरफ और जाके दिखाऊंगा आप लोग को, सीधा इस तरफ से आया हुआ था तो अब इस तरफ लेके जा रहा हूँ आप लोग को, इस तरफ से कहाँ जाता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, इधर बस्ती ही लग रहा है, दुकान तो दिख रहा है नानेस मोटर बड़ी बड़ी, लेकिन खुला हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इधर कहाँ तक जाते हैं देखते हैं, इधर बस्ती ही लगता है मेन यहाँ पर, तो इस तरफ देखते हैं कहाँ तक जाता है रोड, इधर तो दुकानें पूरा बंद है, मेन मार्केट वहीं है लगता है, इधर पूरा इधर भी दुकानें हैं बड़ी बड़ी लेकिन खुली हुई नहीं है कोई भी, पता नहीं क्यों बंद कर दिया है, तो
सभी दुकानें बंद है भाई, एक भी दुकान खुला नहीं है, क्या पता क्या हो गया। तो यहाँ तक कहाँ तक है हिवारा देखते हैं। ये देखिए एक का दुकान ही खुली हुई है, क्या पता कहाँ तक जाता है, देखते हैं। अरे वाली रोड कहाँ जाता है, रूट कहाँ लेके जाता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं है। और यहाँ पास है मंदिर, पता नहीं रे भाई ये वाला रूट कहाँ तक जाएगा, पता नहीं। तो यहीं से लास्ट होगा लग रहा है मुझे, पता नहीं कितना दूर और है। तो ये वारा अच्छी खासी शहर बन गया है भाई, ये भी बड़ा सा पूरा इस तरफ बस्ती है मेरे लेफ्ट साइड में। अब मैं बस्ती तरफ तो नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि शाम होने वाला है, टाइम भी नहीं है। और कहाँ तक पूरा ही वारा फैला हुआ है देखते हैं। इधर भी दुकानें लग रहे हैं, पप्पू बाइक रिपेयरिंग सर्विसिंग, महावीर ज्वेलर्स, देख सकते हैं इस तरफ पूरा फैला हुआ है भाई। लगता है यहीं से रिटर्न लेना पड़ेगा, मैं रिटर्न ले लेता हूँ यहीं से। तो उधर और दिखाते हैं थोड़ा, मैं आऊँगा उस तरफ तो रिटर्न होते हैं भैया। दोस्तों तो हम रिटर्न मैं वही वाले रोड में आ जाऊँगा और ये वाला रूट आपको रायपुर के लिए ले जाएगा सीधा मुरमुंदा होते हुए कुम्हारी निकालेगा आपको ये रोड में। तो यहाँ पास है नाली है भाई बड़ा सा, यहाँ पास भी दुकानें वकानें लगे हुए हैं, इधर भी सिटी है लगता है, अच्छी खासी दुकान है इस तरफ भी। तो ये वाला रूट आपको यहाँ उस मंदिर है खूबसूरत सा, जय साईनाथ, साईनाथ का मंदिर है। इस तरफ घर वर बने हुए अच्छा खासा। तो इस तरफ से मैं ये देखिए यहाँ पास है भाई दुकानें, दरवाज़ा यहाँ पर है आटा चक्की। तो इस तरफ यहाँ पास मंदिर भी है, यहाँ पास देख सकते हैं मंदिर बना हुआ है, यहाँ पास कार वार लगे हुए हैं। और यहाँ पास टावर बड़ा सा, क्या का टावर है पता नहीं। कुम्हारी यहाँ से 16 किलोमीटर है, पूरा 23 किलोमीटर। यहाँ पास है घर, बड़ी बड़ी घर, बर्तन की दुकान है यहाँ पास, शॉप। ये वाला रूट आपको रायपुर ले जाएगा, यहाँ पास भी मंदिर है वहाँ संतोषी मंदिर। और घर तो भाई दुकानें घर तो यहाँ भरमार है, सब चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ हिवारा में आओगे तो। यहाँ पास हो रहा है शादी, तो मंदिर तो भाई यहाँ भरमार ही भरमार दिखाई दे रहा है मंदिर का पूरा, देख सकते हैं यहाँ पास भी मंदिर है। और यहाँ पास आपको फर्रस पत्थर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से लास्ट हो जाता है इवारा, तो अपन वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक शेयर, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। यही क्या रखते हैं।